हाल ही में सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों से बहुत सारी एनओसीज मांगी जा रही हैं, जो एनओसी स्कूलों के लिए लाना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से बहुत सारे स्कूल वैसे भी बंद होंगे और पूरा प्राइवेट सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा। एक एनओसी इसमें लैंड के ताल्लुक से है। सरकार ने कहा कि जिसके पास भी सरकारी लैंड है, हम उस लैंड को रिट्रीव करेंगे, स्कूल को बंद करेंगे, जो वहां पे स्टाफ होगा, जो मुलाजमिन होगा, उनकी कोई क्लेम नहीं होगी, और जो वहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम सरकारी स्कूलों में दाखिल करेंगे। पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये जो स्टेट लैंड का इशू इस वक्त जो इस वक्त अखबारों में मीडिया के जरिए जो उछाला जा रहा है, ये स्टेट लैंड है क्या है? ये बेसिकली कम्युनिटी लैंड है, लोगों की लैंड है, पब्लिक लैंड है। ये किसी की जागीर नहीं है, किसी की जाती जमीन नहीं है, न ये सरकारी स्तर पर देखेंगे, न किसी ऑफिसर की जाती जमीन है। ये कम्युनिटी लैंड है और कम्युनिटी के यूज के लिए ही है, चाहे शामलात हो, काश्तराई हो या स्टेट लैंड हो। ये सीधी सी बात है, कम्युनिटी लैंड है और कम्युनिटी का यह हक है कि वो इस लैंड के लिए किस इस्तेमाल में लाए। अब जो स्कूल इस सरकारी लैंड पे हैं, वो कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं, जिनको ट्रस्ट चलाते हैं, अवकाफ कमिटीज चलाती हैं, महला कमिटीज चलाती हैं, या जिनको जो जो विलेज कमिटीज हैं, पंचायत हैं, इस किस्म के जो बहुत सारे जो कमिटीज हैं या फलाही अदारे हैं, इन स्कूलों को चला रहे हैं। ये स्कूल आमतौर पे नॉन प्रॉफिट बुनियादों पे चलते हैं। इनकी फीस वैसे भी बहुत सारी कम है, 100, 150, 200, 400, 500, 700, और इनमें वो गरीब बच्चे, वो यतीम बच्चे, वो नादार बच्चे पढ़ते हैं जो किसी कारण सरकारी स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। कोई भी वजह हो, या तो वहाँ पे सरकारी स्कूल अवेलेबल ही नहीं है, या अगर हैं तो वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से ये स्कूल जो है, और इस स्कूल की इंतजामिया जो है, ये चूंकि महल्ला कमेटियाँ होती हैं या लोकल कमिटीज होती हैं या उसके साथ फलाही इदारों के जो अफराद हैं वो इन स्कूलों को चलाते हैं, तो वो मोटिवेट करके इन बच्चों को इन स्कूलों में ला के तालीम देते हैं। अब जब आप इन स्कूलों को बंद कर रहे हैं तो यहाँ एक सवाल उठता है, वो ये है कि ऑलरेडी स्टेट लैंड पे मकान भी हैं, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं, होटल्स हैं, दुकानें हैं, और यहाँ ही नहीं है, पूरे देश में देख लीजिए सरकारी लैंड पे बहुत सारे इदारे कायम। इसके लिए ये भी तरीका हो सकता है कि इनको या तो रेगुलर किया जाए, या तो उनसे लीज अमाउंट लिया जाए, या उनको एक मॉरिटोरियम, एक उनको पीरियड दिया जाए, उनको एक टाइम दिया जाए कि भाई आप अरेंजमेंट्स करो, या इस लैंड को बाकायदा तौर पे अपने नाम पे रेगुलर करो। हालांकि अलग बात है कि ये जो सरकार ने हुक्मनामा जारी किया है, उसके बाद जो सीओ साहिबान ने, कहते हैं ना कि मोर लॉयल देन द किंग, जो उन्होंने और जोनल एजुकेशन अफसर साहिबान ने अपने ब्रीफ से भी तजावुज करके उन स्कूलों को भी बंद किया है या बंद कर रहे हैं, या उन पे भी छापे डाल रहे हैं जो बाकायदा गवर्नमेंट की अलॉटमेंट जिनके पास है, जिनको बाकायदा सरकार ने अलाट किया, उन पे भी जो है उनको भी धमकियां जा रही हैं, नोटिस जा रही हैं कि इन स्कूलों को भी हम बंद करेंगे। बच्चों को कहा जा रहा है कि आप सरकारी स्कूलों में एडमिशन लो। ये अलग बात है कि वो जो है अपने हद से भी तजावुज कर रहे हैं, ये अफसर साहिबान। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की वाजिया जजमेंट है कि अगर स्कूल किसी सरकारी जमीन पर है, या अगर कोई फलाही अदारा सरकारी जमीन पर है, तो उसको बंद नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की वाजिया जजमेंट है, कैबिनेट का ऑर्डर है। 2011 में बाकायदा कैबिनेट ने ऑर्डर दिया है कि किसी भी सरकारी लैंड पर अगर कोई कोई भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो उसको चलने दिया जाएगा। आप स्टेट की पॉलिसी देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर कोई भी स्कूल चलाना चाहता है, वेलफेयर इदारा, फलाही अदारा कायम करना चाहता है, तो सरकार उसको लैंड फ्री भी दे सकती है और सब्सिडाइज रेट्स भी दे सकती है, जिस तरह से सरकार ने जो है इन दिनों में बाहर की बहुत सारी कंपनीज को, ट्रस्ट्स को, इदारों को लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी है, या सब जो है बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स पर लैंड दी है। अब जो स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से आप लोगों को इस वक्त स्कूलों और फलाही अदारों के चलाने के लिए लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं, सब्सिडाइज रेट्स पे दे रहे हैं, दूसरे से जो स्कूल चल रहे हैं उनको आप कह रहे हैं हम आपको बंद करेंगे। एक डाइकॉटमी है, एक तजाद है। इसी ताल्लुक से हम
हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने इसमें बाकायदा स्टेटस को जारी किया है, यानी सरकार के इस ऑर्डर को स्टे किया। एक दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद और कोविड की सिचुएशन के बाद वैसे भी तालीमी निज़ाम बहुत ही बहरान का शिकार हो चुका है, लर्निंग लॉस बहुत ज़्यादा है और लर्निंग गैप्स की हालत देख लीजिए तो रिसेंटली जो नीसा की सर्वे आई उसके उसके हिसाब से लर्निंग लॉस मोर देन 84% है। फीस जो है फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन के साथ हमारी मीटिंग थी, वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी थे, बोर्ड के सेक्रेटरी साहिबा भी थी, डायरेक्टर एजुकेशन साहब भी थे, तो वहाँ पे फी कमेटी के चेयरमैन साहब ने 10th क्लास के एक बच्चे की हमें एक मेल सुनाया, उसका एक मेल सुनाया जो वाकई तीसरी जमात का बच्चा भी उससे अच्छा उससे जो है अच्छी तहरीर लिख सकता है, जैसा भी ही कह रहे थे कि देखिए ये प्राइवेट स्कूलों का हाल है। तो मैंने उनसे कहा जनाब ये प्राइवेट स्कूलों का हाल नहीं है, ये जो पिछले 3 सालों के दौरान जो हालात रहे ये लर्निंग लॉस हमारा इतना ज्यादा है। पहली बात यह है कि इस कोविड की वजह से और फिर 370 की वजह से जो इंटरनेट की एक्सेस तक भी रोकी गई या स्पीड भी कम की गई, वैसे भी बच्चों को वो मौके हासिल नहीं रहे। अब इन हालात में जहां सरकार की जिम्मेदारी बनती थी सिस्टम को अपग्रेड करने की, हैंड होल्डिंग की, मदद करने की, एजुकेशन सिस्टम को ट्रैक पर लाने की, तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की, यह सरकार की जिम्मेदारी थी, उल्टा ऐसा ऑर्डर लाया गया जिससे पूरा निज़ाम और कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है, दरहम बरहम हो सकता है और पूरा किया सेंट कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आखिरकार बच्चे किसी कौम का मुस्तकबल होते हैं, बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करना ये कहाँ का उसूल है? बच्चे का ये हक है, उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 की बात कीजिए, आर्टिकल 21 की बात कीजिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात कीजिए, ये बच्चे की मर्जी है वो किस स्कूल में जाना चाहे, सरकारी स्कूल में जाना चाहता है या प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है, बच्चे से आप उसका हक छीन रहे हैं, आप बच्चे को रोक रहे हैं, उसका हक उससे बाकायदा छीन रहे हैं कि आप इस स्कूल में नहीं, इस स्कूल में जाओ, हम इस स्कूल को बंद कर रहे हैं, आपको लाजमन आप इस स्कूल में जाना है। ये चाइल्ड राइट्स के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। और यहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मान के चलिए आर्ग्यूमेंट के तौर पर अगर यही एक बच्चा किसी बड़े ब्यूरोक्रेट साहब का हो, किसी एडवाइजर साहब का हो, मिनिस्टर साहब का हो, क्या वो अपने बच्चे को कहेगा कि किसी कारण ये स्कूल में बंद कर रहा हूं, अब आपको सरकारी स्कूल में पढ़ना है? आखिरकार इन गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफी क्यों? देखिए तालीम एक गैर सियासी चीज है, हम बार बार कहते हैं कि तालीम एक यूनिवर्सल, एक ह्यूमन डेवलपमेंट, एक 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 ऐसी चीज है जिसमें कोई सियासत होनी नहीं चाहिए। एजुकेशन शुड बी ऑलवेज पॉलिटिक्स न्यूट्रल, क्योंकि एजुकेशन का ताल्लुक इंसान की तामीर से है, सोसाइटी की तामीर से है, मुल्क की तामीर से है, दुनिया की तामीर से है। तो जरूरत है कि तालीम को उसी एंगल से लिया जाए, उसको एक यूनिवर्सल आउटलुक से लिया जाए, उसको एक नेशनल आउटलुक से जो लिया जाए, उसको हम किसी और एंगल से नहीं देख सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से नहीं देख सकते। इसी वजह से ये जो रिसेंट अमेंडमेंट आई है, मैं मानता हूं कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है जरूर कोई ना कोई गलतफहमी है, या तो सरकार को मिसलीड किया गया है, या तो सरकार के पास डेटाज नहीं है, या तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से सरकार के पास ग्राउंड सिचुएशन की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। किसी न किसी कारण की वजह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसमें मिसलीड है, इसी वजह से ये जो ऑर्डर आया है जिसकी न कोई कानूनी बुनियाद है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत फैसला है, प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है, और फिर सबसे बड़ी बात ये उन बच्चों की हक तलफी है जिनका हक है कि वह अपनी मर्जी का स्कूल चुन लें। इसी वजह से आज जो ये हाई कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन उसके साथ हम सरकार से राबता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारी अफसाना से मिल रहे हैं, इनको हम फीडबैक देना चाहेंगे कि देखिए इस ऑर्डर से कितना नुकसान हो सकता है। हमें यकीन है कि हमारी गुजारिश सरकार सुन लेगी, हमसे इंसाफ होगा, वो अपने फैसले को बदल देंगे, उसको रिविजिट करेंगे, रिकंसिडर करेंगे
और उसके साथ ही हमें अदालत पे पूरा भरोसा है कि हमें अदालत से भी बाकायदा इंसाफ मिलेगा, ये हमें पूरा यकीन है। क्योंकि ये किसी स्कूल का, किसी तंजीम का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मामला नहीं, ये उन लाखों बच्चों का मामला है जो गरीब हैं, नादार हैं, यतीम हैं और इन स्कूलों में जेर तालीम हैं। तभी इब्तदाई जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, जो हमने डेटा कलेक्ट किया, हमारे ख्याल में था कि शायद 200-300 स्कूल हैं जो इससे मुतासर होंगे, लेकिन अब इस वक्त जो हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं, तकरीबन 800 से ज़्यादा स्कूल इससे मुतासर हो रहे हैं और तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चों का फ्यूचर इससे तबाह हो सकता है। लिहाजा ये एक इंतहाई अहम मामला है, इंतहाई संजीदा मामला है और हमें यकीन है कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर गौर करेगी, इस आर्डर को वापस लेगी और इन स्कूलों को रेगुलर करेगी, इन स्कूलों को उसके साथ साथ हैंड होल्डिंग करेगी ताकि बच्चों का नुकसान ना होगा।